नेचुरल रिसोर्सेज इलीगल वे से बेचे जाते हैं, उनकी जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वहां से फंड जनरेट होता है, ये पान के गलने वाली बात। हम अभी कॉर्पोरेट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं थोड़ी देर में, फंड जनरेशन के काफी एवेन्यूज हैं, शी इज राइट। क्या सब स्कैम जो घोटाले होते हैं, जो भ्रष्टाचार होते हैं, लोग भूल जाते हैं? इमेज बनाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, काउंटर इमेजेस हो। नेगेटिव काम बनाती है, नेगेटिव भी बना, सामने काउंटर काउंटर स्टोरीज खड़ी करती है। मतलब दूसरे नेता भी मैं आपको बोलता हूँ, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, दैट्स अ ब्लडी प्रोफेशन। देखो आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नीड वर्ड्स, मतलब चीट भी मेरी पढ़नी मेरी। ओके, यू आर द जज, यू आर द ट्रायल एंड यू विंडिकेट योरसेल्फ, वेरी नाइस, यू आर ऑलमोस्ट लाइक अरविंद केजरीवाल, सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया एंड इट्स ओवर। ओके, चलो सवाल, पीआर एजेंसी जो कुछ भी देती है, कल उठ के आप बोलेंगे इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर के एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बंद कर दो, इतने बिलियन डॉलर का पीआर एजेंसी को बंद कर दो, आप अपने आईटी इंडस्ट्री को, सोशल वेबसाइट को बंद कर दो, हर एक के कुछ एथिक्स होते हैं ना, यही बोल रहे हैं, एथिक्स होता है। आप पॉजिटिव भी दे रहे हैं, नेगेटिव भी दे रहे हैं। एक सेकंड, हाँ बोलिए। आप पॉजिटिव भी दे रहे हैं, नेगेटिव भी दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि आप जो दे रहे हैं, मतलब जनता इसे एक्सेप्ट कर लेती है, घोटाले स्कैम भूल जाती है, आप जो दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अगर गुजरात का जो मैपिंग है इंटरनेशनली अगर इतना ज्यादा पहुंच गया है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस चीज को मानता है, यूएस में उस चीज को सेनेट में लेके जा चुका है, तो वो लोग सब बेवकूफ है और सारी अकल हम कुछ चंद लोगों के हाथ में आ गई है? पीआर एजेंसी उसे पॉलिश करती है, काम उनका ही है ये काम, और ये अकेला मोदी जी का इशू नहीं है, हर एक पॉलिटिकल, मेजर पॉलिटिकल नेता अब आज इस चीज को समझ चुका है कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अच्छा, सवाल ये खड़ा होता है कि इसके कुछ रूल्स भी होंगे ना, और आने वाले वक्त पे तो आप बहुत, हम बिल्कुल डेफिनेटली, देयर आर एथिकल कोड्स, देयर आर एथिकल कोड्स डेफिनेटली, बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस, फोर्थ डायमेंशन पॉलिटिक्स का खड़ा हो गया है, एंड ऑफ द डे जीतना इज मोर इंपॉर्टेंट। आम आदमी पार्टी की आप बात कर लो, आपके उनके एथिक्स क्या चले गए? आप एक सर्वे कर लो इंटरनेट पे, इस समय मैक्सिमम आप एक आम आदमी पार्टी के लिए अपना पोस्टिंग डाल दीजिए, देखिए कितना मजा आता है। सो क्या पागल है? पब्लिक पीपल आर द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, ग्रेसफुली इज नॉट अ फूल। रुझान जी तो कहते हैं ना कि सब मान लेते हैं, सबको हीरो कंट्री डजंट वर्क ऑन हाइपोथेटिकल असम्प्शंस, कंट्री वर्क्स ऑन ग्राउंड लेवल फैक्ट्स। होपफुली, लकीली हमारी कंट्री अभी इतनी अभद्र नहीं हुई है, वी आर स्टिल फार बेटर, फार डिसेंट इन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, वीज़ावी द मॉडल विच वी ऑलवेज ट्राई, द वर्ल्ड ट्राइज टू फॉलो, द ग्रेट अमेरिकन एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग मॉडल, जहां पे स्टिंग ऑपरेशन होते हैं और जहां पे गाली गलौज सेनेटर लेवल के उम्मीदवार करते हैं, और वहां पे चैनल्स में और इस तरीके के गंदे सीन्स दिखाते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन के दौरान, कम से कम हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। रुझान जी, ये सारी बात है, छोटे छोटे छोर है, लेकिन छोर है, मेरे को दिस इज नाउ, दिस इज योर, यू आर गेटिंग पर्सनल, आई एम सॉरी, यू आर गेटिंग पर्सनल। मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज आप लोग ये जो अभी जो सर ने बोला लव वॉर बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे, वही मैंने जो पहले, गांधी का जमाना नहीं है रुझान, एंड ऑफ द डे यू विल बी गॉबल्ड एज अ कंट्री। रुझान जी, गांधी का जमाना नहीं, पर कहवा जाएंगे टैलेंट वगैरह तो अभिनेता पर नहीं बना, एब्सोल्युटली दैट्स हमारा तो नेता बनावानी बात है, सूटना गांगड़े गांधी थवानी बात है। आप अपनी कंट्री को अल्टीमेटली क्या करेंगे, चाइना के सामने बेच देंगे? दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, इतनी रिक्वेस्ट है मेरे को कि ये जो पीआर, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि ये जो नेता लोग पैसा, ये जो 500-500 करोड़ पीआर एजेंसीज को देते, इमेज मेकरों के देते, मुझे रिक्वेस्ट करनी कि ये जनता के पैसे, इसको मिसयूज मत करो, डोंट मिसयूज योर पावर, डोंट मिसयूज दिस मनी। सेकंड, मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको खुद का मेकओवर करना है तो करो, लेकिन दूसरों को मर्ज लिंगिंग करके गलत अफवाह फैला के, कितनी गंदगियां चल रही है हम लोग देखते हैं, इसलिए हम तो अभी तो सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया है, तो ये सब आप मत करो, मेरे को यही रिक्वेस्ट है। बिकॉज अल्टीमेटली वरना सब अपनी, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आप लोग पीआर एजेंसीज बंद हो जाएगी, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि आपके खुद के भी तो एथिकल कोड रखो। सो दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट, बाकी तो जनता जनार्दन है और सबको अपना ज्ञान है। सो आई वुड रियली विश कि जनता, वो तो अभी 2014 में दिखाई दे जाएगा जनता कितनी बड़ी जनार्दन है।
ठीक है, और ये छह महीने में जनता जनार्दन दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को जनार्दन और जनता दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आप भी जानती हो मैं भी जानता हूँ। पहला एवं हतु के जयरे गांधी जी बात करी के पोस्ट कार्ड लगता था, पगपाड़ा चालता, अत्यारे नेताओ हेलिकॉप्टर में अने मोटी मोटी गाड़ियों में फरता हुए छे, त्यारे सवाल ए पण थाय छे के ट्विटर पर खोटा इश्यू उभा करवा, लाइक्स मेळवी अने લોકો એને એક્સેપ્ટ પણ કરે છે, લાગે છે કે 2014 નું ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે ત્યારે આ મુદ્દો ખાસ અસર કરશે? આપને કુછ કહેના ચાહુંગા બહુ જલ્દી, એક મિનિટ મેં સુભીતી આપકે પાસ આ મેં એજ કહેવા માંગુ છું કે સૌથી પહેલા આ જે બધું જે તમાશા બધા થઈ રહ્યા છે, એક તો થોડા ફેક બી થઈ રહ્યા છે જે આપણી પાસે છે કે ભાઈ મારા આટલા લાઈક છે, બધા ફેક છે, ઓટોમેટેડ છે, એવરીથિંગ ઇઝ હેપનિંગ ધેર. બીજી વાત કે છે કોઈ જને, અગર હું પાછું રિપીટ કરું છું કે અગર જે કેજરીવાલનું આપણે કેમ્પેન જોયું હતું આ પાર્ટીનું, એમાં એ લોકો એટલું ફેસબુક ને પર ટ્રેનિંગ નહોતું કર્યું જેટલું વન ટુ વન કનેક્ટની જે વાત કરી છે, યા તમે રેકોર્ડ છે કે કેજરીવાલ એટલે રેલીઝ બી નહોતી કરી જેટલું એને વન ટુ વન કનેક્ટ કરી છે. એટલે અલ્ટિમેટલી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે જે કહેવામાં આવે છે કે નોર્મલી કોઈ બી ઇલેક્શન હોય એ ઇલેક્શનો નોર્મલી લોકલ મુદ્દા ઉપર જીતાય છે. એટલે આઈ હોપ કે લોકો એ સમજે, લોકો એનું જ્ઞાન લે અને લોકો એની એ એ જજમેન્ટ થી આપે. આ ટ્વિટર ના આ બધું તમાશા છે અને આઈ મીન એટલીસ્ટ પીપલ લાઈક મી ડોન્ટ ગેટ સો મચ. મેં આપકો એક ચીજ કહેના ચાહુંગા કે કેજરીવાલ ઉત્પત્તિ હૈ केवल सोशल मीडिया की, या आप कहां से आपके फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो? वो ग्राउंड जीरो में तो बंदा आज तक उतरा ही नहीं है, दिल्ली के दो तीन कॉलोनी के अलावा. ये मैं आपको अभी स्टिंग अपना दिखाता हूं, अगर आप मुझे परमिट करें. महाराष्ट्र का जो चीफ है आम आदमी पार्टी का, उसके साथ मेरी टेलीफोनिक बात हुई और मैंने उसको पूछा कि ये तुम्हारा कुमार विश्वास अन्ना को मिलने काफिला लेकर गया फॉर्च्यूनर्स और इंपोर्टेड गाड़ियों का. तो वो बंदा बोलता है यार शोभित ये सब चलता है, ये ऊपर का दिखावा है, और अमीर होना क्या बुरी बात है. तो बोलने दो, वो बंदा तेरे मेरे बीच में बात रहे हैं, मैं अब भी सुना सकता हूँ, आप बोलिए. तो आप आम आदमी को क्या मैं अभी आपकी बात करा सकता हूँ, मैं अभी आपकी बात वाली नहीं है. केजरीवाल इज कम्प्लीटली ऑन ट्विटर, उसके 150 हैंडलर्स हैं. अब आपको उसको रिजल्ट जो डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, जो ट्विटर पे उसको हर दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुद्दा बना के ट्रेंड करते हैं. तो एक्सेप्ट पॉजिटिव, कहां पे केजरीवाल? मेरा झगड़ा उसके ट्विटर पे या जो भी पॉजिटिव बातें होती है, ये गंदी मच्लिंगिंग वाली बातें नहीं होती. मेरा झगड़ा भी उस पॉइंट पे. आप अच्छा तो मुझे ये बताइए, अचानक शीला दीक्षित महान देवी हो गई रातों रात बिकॉज उसने कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया? बिकॉज ही नोज कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सोनिया गांधी विल किक अ बैड वन ऑन माय बिहाइंड. नहीं, सब आएंगे ना एक के बाद एक, सब आएंगे. शीला दीक्षित अचानक भ्रष्टाचार की जो देवी थी वो उनकी माता शिवम नहीं? अरे बाबा वही तो मैं बता रही हूँ कि ये फेक चल रहा है, मैं ही समझा. अरे ये टेलीविजन का व्यू बाइट्स है, आप टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे बोला हर्षवर्धन जी से बात कर लीजिए, चलो दर्शक. आक्षेप प्रति आक्षेप पछे आखरे एक वात छे, 2014 नुं इलेक्शन आवी रह्युं छे ત્યારે જે યુદ્ધ છેડાઈ ગયું છે અને યુદ્ધ લડાઈ રહ્યું છે, પ્લેટફોર્મ છે સોશિયલ મીડિયા. પરંતુ જે પ્રમાણે રુઝાનજીએ કહ્યું કે ખોટી ખોટી ઇમેજ ઉભી કરવામાં આવે છે અને હીરો બતાવવામાં આવે છે, લોકોને હીરો પસંદ પણ છે અને પૈસાનો ખર્ચો કરવામાં આવે છે. રુઝાનજીએ કહ્યું કે જે કરોડોના અબજો રૂપિયા ખર્ચો કરવા, કોના? આમ આદમીના, લોકોના પૈસાને. લોકોએ આ ક્યાંક સમજવાની જરૂર છે. જ્યારે શોભીજી કહી રહ્યા છે કે આ એક ટ્રેન્ડ છે ને અત્યારની જરૂરિયાત છે, વિદેશમાં પહેલેથી ચાલતું હતું, ઇન્ડિયામાં હવે ચાલી રહ્યું છે, ઓવરઓલ પ્લસ કે માઇનસ, સાચું કે ખોટું તો જનતાએ જ નક્કી કરવાનું છે અને ચુકાદો તો જનતાએ જ આપવાનો છે. એટલે કદાચ આ ચર્ચા આપની આંખ ઉઘાડવા માટે હોય, આ લોકોના શબ્દો, આ લોકોના વાક્યોથી જો આપને કદાચ થોડું સૂજે તો ચોક્કસ આપ, એટલે હું આમ આદમી પાર્ટી નહીં પરંતુ જનતાની વાત કરી રહ્યો છું, કારણ કે હવે આપ બોલતા પણ 100 વાર વિચાર કરવો પડે છે. તો આમ જનતા હવે આનું રિઝલ્ટ 2014માં આપશે. ભલે સોશિયલ મીડિયા હોય, એ પ્લેટફોર્મ પોતાના ઘરને આંગણે આવીને નેતા કદાચ વાત કરતો હોય, કે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી નક્કી કરશે જનતા જનાર્દન. અને આની અસર આવનારા સમયમાં કઈ રીતે પડે છે, પોઝિટિવ નેગેટિવ બધા જ પાસા આમ જનતા આપણે તમામે નક્કી કરવાના છે, તો જ એક સાચી નેતાગીરી અને ચોખ્ખું રાજકારણ અને એક ચોખ્ખી ઇમેજ આપણી ઇન્ડિયાની બહાર આવશે. અને આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે શોભીતજી અને રુદાનજી આપ ઉપસ્થિત રહ્યા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો